तैयारी में जुटा प्रशासन। जनपद में नामांकन के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में चुनाव होना है, 14 जनवरी से नामांकन शुरू होगा। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने विधानसभा चुनावों की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी से अवगत कराया है। वहीं दूसरी ओर एडीएम प्रशासन अजय कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण और तैयारियों का जायजा भी लिया। उसके अनुसार अब कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग के लिए बनाने का काम शुरू किया गया है। बैरिकेडिंग से रोके जाएंगे लोग, प्रत्याशी के साथ सिर्फ 2 लोग ही जा सकेंगे नामांकन कक्ष में। आगरा में 10 तारीख को होगा मतदान। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। वहाँ पर किस तरह के इंतजाम रहेंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव हमारे यहाँ 10 फरवरी को होना है और 14 जनवरी से यहाँ पर नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद 10 फरवरी को पोलिंग डे है। चुनाव की तैयारियाँ कई महीने से की जा रही थी और जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। शराब का जो संचरण है उसके बरामदगी के बारे में कार्रवाई की जा रही है। बीच में अभी मादक पदार्थों की खेप पकड़ी गई थी, ये सब चुनाव से संबंधित था। गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और 110G की कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही हैं। 116 कार्रवाई की जा रही है। अब आने वाले दिनों में जो आर्म्स डिपोजिशन है वो होगा। जो और लोग ऐसे तत्व हैं जिनके खिलाफ जो चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होंगी। अभी हमें कल 3 कंपनी CISF प्राप्त हुई है जिनको एडिशनल SPY 3 क्षेत्रों में डिप्लॉय किया गया है और कल से उनका जो एरिया डोमिनेशन है, यानी कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां संभावना है उनमें उनका रूटमार्च चालू होगा। जो अपराधी तत्व हैं उनके घर जाएंगे, जो गुंडा तत्व हैं उनके घर जाएंगे और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई करेंगे। तो अगले 8-10 दिन में ये एरिया डोमिनेशन रहेगा। हमारी पूरी तैयारी है, बहुत अच्छा निष्पक्ष और सकुशल चुनाव हम लोग कराएंगे। सर, संवेदनशील बूथों का चयन हो पाया क्या अब तक? देखिए, अब संवेदनशील और अति संवेदनशील की कैटेगरी नहीं है। इस समय वर्नेबल और क्रिटिकल जो पोलिंग सेंटर्स और बूथ हैं उनका चिन्हीकरण हो गया है। जो ऐसे कारक तत्व हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं वर्नेबल में, हेलमेट्स में, उनका चिन्हीकरण हो गया है। जो प्रभावित वोटर्स हैं उनका चिन्हीकरण हो गया है और उन पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है, जो ऐसे लोग हैं जो खुरापात कर सकते हैं। और अभी आगामी कुछ दिनों में, क्योंकि एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे ही कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे तो कुछ और चिन्हीकरण होगा कैंडिडेट वाइज और संवेदनशीलता चेंज होगी। सर, 9 विधानसभा के जो लोग पर्चा भरेंगे कहाँ भरेंगे, अलग अलग जो एरिया में भरेंगे? देखिए, ये जितने भी नॉमिनेशन है पूरा कलेक्ट्रेट परिसर में होगा। उनके लिए अलग अलग कक्ष जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसका एक विस्तृत जो कहाँ नॉमिनेशन होगा उसका एक आदेश जारी किया गया है। हमारा कंसर्न पूरी तरह से पुलिस बल से है कि सुरक्षात्मक ढंग से सब लोग आए, अपना पर्चा भरें। कल एक जिलाधिकारी महोदय ने एक मीटिंग भी की थी सब पॉलिटिकल पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, और उसमें विस्तृत निर्देश दिए गए थे कि क्या क्या आदर्श आचार संहिता में क्या नियम रहेंगे, कानून रहेंगे, कैसे उसका पालन कराना, इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई थी और विस्तृत निर्देश दिए थे। उनका सबको देखते हुए, आदर्श आचार संहिता के जो नियम हैं उसको देखते हुए, कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उसको देखते हुए नॉमिनेशन के संबंध में 14 तारीख से जो नॉमिनेशन शुरू होना है उसके संबंध में हम लोगों ने देखा है कि नॉमिनेशन कार्यालय से 100 मीटर दूर जो भी प्रत्याशी आएंगे उनको उनके वाहन को रोकना है और प्रत्याशी के साथ केवल 2 व्यक्ति और आ सकते हैं अंदर, तो उनको कहाँ पे बैरिकेड करके रोकना है ये हम लोग अभी निरीक्षण कर रहे थे। और बैरिकेटिंग टीम और जो प्रभारी सहायक प्रभारी हैं हमारे टेंट के, बैरिकेटिंग के, उनके साथ वार्ता की गई है, बस यही निरीक्षण कर रहे थे।